हेलो एवरीबॉडी, आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टेंजेंट और नॉर्मल को हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, तो वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रॉब्लम बोर्ड पर लिखी हुई है मैंने, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स इक्वल टू ए साइन टू द पावर क्यू टी वाई इक्वल टू ए कॉस क्यू टी एट पॉइंट टी। मतलब ये कर्व दे रखा है, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म में है और इस कर्व के पॉइंट टी पर, टी मतलब जनरल पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एंड प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ये शो करना है कि पॉइंट टी आप कहीं पर भी ले ले, लेकिन लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। तो पहले अपन क्या करते हैं, टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट ले पॉइंट तो पता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है, बस क्या नहीं पता स्लोप, नहीं पता डीवाई बाय डीएक्स। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में डीवाई बाय डीएक्स कैसे निकालते हैं, ऊपर वाई को टी के रेस्पेक्ट में डीवाई बाय डीटी, नीचे एक्स को टी के रेस्पेक्ट में डीएक्स बाय डीटी। इस तरह से डिफरेंशिएट कर लेंगे, वाई को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थ्री ए कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी का फिर से कर देंगे माइनस साइन टी, डीएक्स अपॉन डीटी थ्री ए साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का फिर से आ जाएगा कॉस टी, थ्री ए सिक्स ए कैंसिल, और साइन टी कैंसिल आउट, कॉस टी कैंसिल आउट, व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर माइनस कॉट टी, दैट इज माइनस कॉस टी बाय साइन टी, कॉट अभी नहीं लिखा इसको। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम, एम मीन्स रो, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है ना। अच्छा, अब इसको मैंने कॉट टी क्यों नहीं लिखा था, आपको आपको समझ में आएगा। मैं इस कॉस टी का नीचे डिवाइड दे रहा हूं इधर लाकर, और साइन टी का अंदर डिवाइड दे रहा हूं। देखिए ब्यूटीफुल फॉर्म मिलेगी आपको, कॉस टी का नीचे डिवाइड दे दिया, वाई अपॉन कॉस टी माइनस ए कॉस स्क्वायर टी, साइन टी का अंदर ले जाके डिवाइड दे दिया, माइनस एक्स अपॉन साइन टी प्लस ए साइन स्क्वायर टी। इस टर्म को लेफ्ट में जाइए एक्स वाले टर्म को, और इसको राइट में शिफ्ट कर दीजिए, व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर एक्स अपॉन साइन टी प्लस वाई अपॉन कॉस टी, दोनों से ए मैंने कॉमन ले लिया है ना, उसको राइट में लेकर ए कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये पूरी पिक्चर क्या बन जाएगी, वन वन बन गई। इस ए का नीचे डिवाइड दे दिया, इस ए का नीचे डिवाइड देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स अपॉन ए साइन टी प्लस वाई अपॉन ए कॉस टी इक्वल टू वन, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई किसी भी पॉइंट टी पर है ना। अब अगर टेंजेंट की इक्वेशन ये आ रही है ना, रफली कोई भी डायग्राम मैंने बना लिया समथिंग लाइक दैट, तो किसी भी पॉइंट टी पे जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे है ना, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे, एक्स इंटरसेप्ट क्या ए साइन टी, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ए साइन टी को जीरो, और y एक्सिस को जहां पे कट करे y इंटरसेप्ट क्या a cos t, तो इस पॉइंट b का कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो कॉमन a cos t है ना। तो अब अगर हम टेंजेंट, तो वैसे इनफाइनाइट लेंथ की होती है, लेकिन टेंजेंट का वो पोर्शन देखे जो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड है, मतलब अगर हम इस लेंथ की बात करें, व्हाट इज द लेंथ ab, तो वो आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल आएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाया जाए ab इज व्हाट, आपको देख रहा होगा ab इज a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t, दिस इज लाइक ए बी इज वॉट, ए बी इक्वल टू ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, टी अब कुछ भी नहीं है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हमेशा वन बन जाएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि टेंजेंसी पॉइंट कहीं पर भी ले, ये पॉइंट आप जैसे चेंज करेंगे वैसे ए और बी वेरी करेगा, यहाँ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर, बट द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस रिमेंस कॉन्स्टेंट, बट टी की चॉइस इंडिपेंडेंट बिकॉज लेंथ जो है टी का फंक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे मुख पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगली क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द कर्व y equal to x cube sin x plus x square tan square x plus cos x plus 2 intersect y axis. ये क्वेश्चन है. तो एक कर्व मैंने दिया है y इक्वल टू एक्स क्यू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टू. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट की क्वेश्चन निकालिए जहां पर ये कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना. तो सबसे पहले तो अपन ये पता लगाते हैं ये कर्व y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा. तो आप जानते हैं y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो x को जीरो पुट कर देते हैं. तो x को जीरो डालेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, cos जीरो वन, वन प्लस टू थ्री. तो वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहां पर कर्व y एक्सिस को क्रॉस करता, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गया, जीरो कॉमा थ्री. ठीक है ना, पॉइंट आ गया. अब अगर टेंजेंट लिखनी है तो अपने को क्या और चाहिए, टेंजेंट का स्लोप चाहिए. स्लोप मतलब डेरिवेटिव. तो अब क्या करें, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला पॉइंट पुट कर दे, स्लोप आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा. लेकिन इस तरह से सॉल्व करने का मैंने क्वेश्चन नहीं दिया. इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है जिससे अपन डायरेक्टली स्लोप को ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर ध्यान से देखें, ये जो मैंने आपको कर दिया, ये कैसा फंक्शन, देखिए साइन एक्स ऑड फंक्शन है, एक्स क्यू भी ऑड है, ऑड इंटू ऑड इवन, टेन स्क्वायर एक्स इवन है, ये भी इवन, इवन इंटू इवन इवन होता है, कॉस एक्स इवन होता ही है, और एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. तो इसमें जो चार पार्ट है, चारों पार्ट इंडिविजुअली इवन है, तो पूरी पिक्चर क्या बन जाएगी, इवन फंक्शन. अगर मैं इसको एफ एक्स बोलूं तो ये इस रूल को सेटिस्फाई करता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, करता सेटिस्फाई. अच्छा एक और बात है, ये सारे फंक्शन डिफरेंसिबल है बिकॉज इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलीनोमियल फंक्शन इन्वॉल्व है, दोनों ही फंक्शन हर एक्स पर कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंसिबल, मतलब डिफाइंड एक्स पर. टेन एक्स है तो पाई बाई टू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो हर एक्स मतलब डिफाइंड एक्स पर ही पूरी पिक्चर कैसी होती है, डिफरेंसिबल होती है. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स का फिर से करना होगा इक्वल टू एफ डैश एक्स, है ना. तो जीरो पर डेरिवेटिव चाहिए, कहां पर डेरिवेटिव चाहिए, जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट यहां का जीरो, तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स को जीरो पुट कर दिया. एक्स को जैसे जीरो पुट करेंगे तो ये एफ डैश जीरो बन जाएगा, ये भी एफ डैश जीरो, तो टू एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो, यानी एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या गई, जीरो. एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि जीरो पर डेरिवेटिव जो आएगा, यानी स्लोप जो आएगा, इसी को स्लोप बोल सकते हैं, जीरो हो जाएगा. तो पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा, डायरेक्ट टेंजेंट आ जाएगी क्या, हाँ. अच्छा कुछ बच्चे इससे भी शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, वो सीधा बोल देते हैं कि सर ये जो कर्व दिया हुआ है ये एक डिफरेंसिबल फंक्शन है ना, डिफरेंसिबल फंक्शन है और ये एक इवन फंक्शन भी है. अगर कर्व इवन हो तो अपने को पता है उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसका ग्राफ, और कर्व जीरो पर डिफरेंसिबल भी, यानी वहां पर कोई जीरो पर कोई कॉर्नर नहीं आएगा, है ना. तो ऑब्वियसली बात है कि अगर जीरो पर डिफरेंसिएबल है तो कर्व कुछ इस टाइप का आना चाहिए जीरो पर, और इस टाइप का आएगा तो यहां पर जब क्रॉस करेगा तो टेंजेंट 100% कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी. टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल आएगी, यानी एक्स एक्सिस से पैरेलल आएगी, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल अगर टेंजेंट है, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट मतलब इस पॉइंट की हाइट, इस पॉइंट की हाइट कितनी है, 3 यूनिट. तो ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वाई इक्वल्स टू 3, डायरेक्टली बोल सकते हैं, है ना. तो इसलिए बोल रहा है कि यहां पर हम हो सकता है और भी कोई डेंजरस पिक्चर बना दे, कोई गंदे गंदे फंक्शन यूज कर रहे हैं जो इवन हो, फिर आप जो बोले टेंजेंट लिखो, तो वहां पर आपको ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर लेनी है कुछ इस तरह से, है ना. डिफरेंशिएट करके तो निकाल ही सकते, कोई भी निकाल सकता है. मूव करते हैं आगे. नेक्स्ट आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं टेंजेंट की कंडीशन के रिगार्डिंग.
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, इफ dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 y1, मतलब करके किसी पॉइंट पर मैंने डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ गई, तो डेरिवेटिव जीरो आने का मतलब स्लोप जीरो हो गया। स्लोप जीरो कब होता है? जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल जाती है। दिस इंप्लाइज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब है कि अगर मतलब अगर डेरिवेटिव जीरो है तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी, और इन केस अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया कि कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल जाती है तो उस पॉइंट पर स्लोप भी जीरो है। स्लोप जीरो, टेंजेंट पैरेलल तो स्लोप जीरो, दोनों तरफ से कंडीशन ट्रू है ना। और ग्राफ अगर देखना चाहेंगे तो समथिंग लाइक दैट, ये कोई कर्व है, ये कोई पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन, और यहां पर स्लोप जीरो आ रहा है। स्लोप जीरो आने का मतलब है कि टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है ना। इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, इफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन इज पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c equals to 0, कर्व के किसी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो आप जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप सेम होते हैं, उनका स्लोप इक्वल होता है। देन तो टेंजेंट का स्लोप बच्चों क्या होगा, dy by dx, कैलकुलस से निकाल लेंगे dy by dx एट द पॉइंट x1 y1, ये तो टेंजेंट का स्लोप आ गया है ना। और लाइन का स्लोप आप जानते हो कैसे निकालते हैं, लाइन की इक्वेशन गिवन हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ मैंने डीवाई बाई डी एक्स निकाला किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन पर, और ये देखा कि यार ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, डीवाई बाई डी एक्स इंफिनिटी को अप्रोच करे, या फिर मैं बोलू डी एक्स अपॉन डी वाई, आप जानते हैं डीवाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जीरो आ जाए। अच्छा, स्लोप इंफिनिटी होने का मतलब टेन थीटा इंफिनिटी, टेन थीटा इंफिनिटी कब होगा, जो थीटा क्या हो पाई बाई टू है ना, थीटा पाई बाई टू होने का मतलब टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो लिख देंगे इंप्लाइज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब कुछ इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं आप, जैसे ही कोई कर्व ले लिया और मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, और ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स के परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, वाई के पैरेलल भी बोल सकते हैं, है ना, ये कुछ इस तरह का सीन आ जाएगा। तो ये तो हमने एक्सिस के परपेंडिकुलर बोल दिया। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी बोला जाता है कि कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट जो है एक पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वही है कि अगर लाइन के परपेंडिकुलर, तो दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोग कंडीशन पढ़ते क्या थे, m1 m2 equals to minus 1, तो उसको भी मेंशन कर लेते हैं। इफ If tangent with a finite slope is perpendicular to the line ax plus by plus c equals to 0, then ठीक है ना, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बच्चों, dy by dx एट पॉइंट x1 y1 इनटू इस लाइन का स्लोप, ये m1 हो गया, m2 क्या है माइनस a by b, m1 m2 equals to minus 1। ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, इन सबको यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन में इन पॉइंट का यूज किया जा सकता है। मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट,
if the tangent at P x1 comma y1 is equally inclined with the coordinate axis. इक्वली इंक्लाइंड मीन्स होता है कि टेंजेंट दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है. इक्वल एंगल बनाने का मतलब बच्चों कुछ इस तरह का केस हो गया, जैसे ये कोई कर्व मैंने ले लिया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की है ना, तो ये एंगल तो 90 है लेकिन ये दोनों एंगल सेम है, जो एक्स एक्सिस एंगल है वही वाई एक्सिस एंगल, तो ऑब्वियसली ये 90 है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या बनेगा 90, तो ये एंगल भी 40, ये एंगल भी 40, तो ये बोलेंगे टेंजेंट जो एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है ना. दूसरा केस हम ये वाला भी बना सकते हैं, ये कर्व ले लिया ऐसा कुछ बना दिया हाँ, तो ये 90 है, ये 45, ये 45, तो दोनों ही केस हम बोलेंगे टेंजेंट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है ना. अच्छा यहां पर अगर ये वाली टेंजेंट, तो इसके लिए स्लोपिंग एंगल ध्यान दीजिएगा, ये 45 नहीं है, स्लोपिंग एंगल ये होता है जो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं, स्लोपिंग एंगल इज 135, देयरफॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1. लेकिन इस टेंजेंट का स्लोपिंग एंगल क्या 45, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल लेना है, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 1. तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखी है टेंजेंट एट एक्स 1 बाय 1 इज इक्वली इंक्लाइंड, ध्यान दीजिएगा अगर ये लैंग्वेज लिखी है तो इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ dy by dx एट द पॉइंट एक्स 1 कॉमा y 1 इज व्हाट +-1 है ना, दोनों केस ले सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इफ द टेंजेंट मेक्स इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. If the tangent makes equal non-zero intercept on the coordinate axis, अगर tangent coordinate axis से equal intercept cut करती है, equal intercept, intercept को एक तरह से vector quantity समझिए, तो intercept का equal intercept का मतलब है कि intercept की length भी same होनी चाहिए और sign भी same होना चाहिए. Sign in the sense, जैसे मैं इस diagram की बात करूँ, तो x intercept y intercept दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इक्वल इंटरसेप्ट है. लेकिन हम इस टेंजेंट की बात करें तो देखो x इंटरसेप्ट नेगेटिव है लेकिन y इंटरसेप्ट क्या पॉजिटिव है, तो ये दोनों इंटरसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को हम इक्वल इंटरसेप्ट नहीं बोल सकते. इक्वल का मतलब लेंथ सेम हो इंटरसेप्ट की, और मतलब इंटरसेप्ट सेम साइन में भी होना चाहिए और लेंथ में भी होना चाहिए. तो इक्वल इंटरसेप्ट में जो मैं डायग्राम बना सकता हूं वो या तो ये डायग्राम होगा, दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, या फिर मैं ये डायग्राम बना सकता हूं, दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव है ना, तो ये दो डायग्राम बन जाएंगे उस केस में. सेकेंड डायग्राम में देखिए आप, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो हम इनको इक्वल इंटरसेप्ट बोलेंगे, ये और ये भी इक्वल है ना. तो देखिए जरा यहां पर स्लोपिंग एंगल क्या है 135, और यहां पर भी स्लोपिंग एंगल क्या है 135. स्लोपिंग एंगल मीन्स एक्स स्लोप वाला, जिसको हम स्लोप में डिफाइन करते हैं, जिसको हम इंक्लिनेशन बोलते हैं है ना. देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, -1 पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप भी क्या आएगा -1. तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज देखिए टेंजेंट जो है इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, तो उसी स्पॉट पर आप समझ जाएंगे, आपको एक हिंट दी हुई है, आपसे बोला गया डी बाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट एक्स 1 बाई 1 इज ओनली -1 नॉट +-1, ये इक्वल इंटरसेप्ट का केस नहीं है. समझ गए क्या, मूव करते हैं आगे. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इफ टेंजेंट कट्स ऑफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस,
अगर टेंजेंट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस कट करते हैं, अभी मैंने टर्म चेंज कर दिया, पहले मैं इंटरसेप्ट बोल रहा था, इंटरसेप्ट में तो साइन भी काउंट होता है, लेकिन डिस्टेंस में हम काउंट साइन को नहीं करेंगे। तो ये और ये भी इक्वल डिस्टेंस है, ये और ये भी इक्वल डिस्टेंस है, तो इस केस में ये वाला फिगर भी, ये वाला टेंजेंट भी अलाउड है, ये वाली टेंजेंट भी अलाउड है, तो उस केस में फिर टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन। ठीक है ना, तो इस लेक्चर में अपन यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में इसी से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।